शनिवार को अरुणाचल प्रदेश का पहला इनोवेशन हब एंड स्पेस एजुकेशन सेंटर का उद्घाटन लैंड मैनेजमेंट मंत्री नाबम रेबिया द्वारा किया गया। इस सेंटर के बनने से राज्य में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर मंत्री नाबम रेबिया ने उम्मीद जताई कि अगले कुछ वर्षों में राज्य में कुछ शानदार नए इनोवेशन और स्टार्टअप जरूर आएंगे। कहेंगे सर आप? तो मैं क्या कहूँगा, मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन अरुणाचल प्रदेश को बधाई देता हूँ। ये अरुणाचल के लिए ज़रूर ही एक नई चीज़ है और इससे हमारे यहाँ के बच्चों को, स्टूडेंट्स को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और उम्मीद करता हूँ कि इसका जितना मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें, अपार्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स इवन आम आदमी भी या प्लेनेटेरियम में आके और यहाँ जो भी बनाया है हब में आके यहाँ बेनिफिट ले सकें। ईटानगर में बने इस सेंटर के निर्माण में करीब 4 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस सेंटर में 45 सीटों वाला प्लेनेटेरियम भी है। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ कर रही है और ये सेंटर इसी मिशन का एक हिस्सा है। सरकार, राज्य सरकार जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं और वी वांट इनोवेटिव आइडियाज शुड कम टू आर यंग यू नो टैलेंटेड ब्रेन्स यू नो आर यू नो द फ्यूचर, दे आर द फ्यूचर ऑफ द स्टेट। उनके ऊपर पूरा देश का और राज्य का सबसे भविष्य निर्भर करते हैं, उनसे हम बहुत उम्मीद कर रहे हैं। दिस विल जनरेट ए ह्यूज क्यूरियसिटी अमंग द स्टूडेंट्स और इसलिए मैं फिर से दोबारा ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन हमारे जो चेयरमैन और जितने तमाम ऑफिस सेक्रेटरी ऑफिसर सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक ह्यूज एसेट क्रिएट हुआ है राज्य के लिए। सर ये एस्टिमेट कॉस्ट कितनी? नहीं मुझे मालूम नहीं। इस सेंटर का निर्माण अरुणाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सहयोग से कोलकाता के राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय द्वारा किया गया है। अरुणाचल 24 के लिए मनोज सिंह की रिपोर्ट।